जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में रेशम विकास विभाग के उपनिदेशक हेमचंद भट्ट ने रेशम के कोकून से भगवान के चित्रों का अनोखा निर्माण कर एक नई कला को जन्म दिया है। यह पहल न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि रेशम उद्योग को भी एक नई दिशा में ले जा रही है। बता दें कि भट्ट के इस प्रयास से स्थानीय कला को प्रमोट करने के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद मिल रही है। रेशम उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह विशेष पहल महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस विषय में हेमचंद भट्ट ने कहा कि यह कार्य केवल कला का प्रदर्शन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का प्रयास है। रेशम के कोकून से उकेरे गए ये चित्र दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें एक नया अनुभव प्रदान करते हैं, और यह पहल निश्चित रूप से क्षेत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वाकई आप बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर हैं। अभी दीपावली का समय बिल्कुल नज़दीक है और जो महिलाओं को संगठित करके हमने रेशम नई पहल SHG के नाम से जनपद नैनीताल के अंतर्गत गठित की है, उनका एक जो नया काम उत्तराखंड में बिल्कुल पहली बार शुरू किया गया है, जो रेशम ककून की क्राफ्टिंग के द्वारा, उनकी कलाकारी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटो से बहुत अच्छे अच्छे जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे साथियों को पूर्व में भी रही है, उनमें से अभी बिल्कुल पहला पहला जो ऑर्डर इन महिला SHG को प्राप्त हुआ था वो जस्ट कंप्लीट होने को तैयार है और एक दो दिन में ही डिलीवरी के लिए तैयार है, जो अभी कहना चाहिए कि इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नैनीताल जनपद की ये महिलाएं हैं, इनका ऑर्डर लेकिन अल्मोड़ा जनपद से आया हुआ है। हम कह सकते हैं कि अभी हमने कदम रखा भी नहीं है और अभी ही उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। अल्मोड़ा में किसी क्षेत्र में रामलीला होनी है और उस रामलीला में जो अतिथियों को मोमेंटोज वितरित किए जाते हैं, वो मोमेंटोज का ऑर्डर हमारी इस SHG को प्राप्त हुआ है। और ये SHG उसे रामलीला से संबंधित मोमेंटोज, इन्होंने करीब लगभग 100 प्रोडक्ट हैं, इन्होंने ऐसे मोमेंटोज तैयार किए हैं जो कि रेशम से बने हुए हैं खास, और कहेंगे कि हम शुद्धता की गारंटी है, प्योर रेशम से, वो भी उत्तराखंड के अंदर उत्पादित हुए रेशम से। उसे ऑर्डर कम्प्लीट हो गया और एक दो दिन में ही वो जाने वाला है। हाँ, बड़ी खुशी की बात होगी कि पहली पेमेंट SHG के पास पहुंच सकेगी। सर, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा सपना है हमारे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपना रोजगार शुरू करें, आगे बढ़ें, ठीक है। उसी के तहत हमने यहाँ पे हमारे जो रेशम विभाग है, रेशम विभाग नई पहल, इसमें हमारे हेमचंद सर हैं, उनके जरिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 14-15 महिलाओं ने हमने एक रोजगार खोला है जिसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे, जिसमें कुछ ये हमें ऑर्डर आए हुए हैं और हमने बनाए हुए हैं, जिसमें ये हमारे अल्मोड़ा श्री रामलीला कमेटी नैनोली से हमें ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और ये हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी हमारा यही काम चल रहा था कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाए।